वक्फे से गोलाबारी का तबादला हो रहा है, जबकि सरहद के नजदीक रहायश पजीर लोग एक बार फिर खौफ और डर में वो महफूज मकामात की ओर मुंतकल होने पर मजबूर हो रहे हैं। पूंछ के कस्बा किरनी और शाहपुर सेक्टरों में आज सुबह एक बार फिर जो है लगातार तीन रोज तक पूंछ के इन सेक्टरों में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है। और साथ ही साथ राजौरी की बात करेंगे तो राजौरी में आज कई रोज तक जो बंदूकें खामोश रहने के बाद आज एक बार फिर कलाल और बाबाखोरी इलाके में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ ताजा तफसीलात हैं? आज सुबह से ही दोबारा पूंछ की बात करेंगे, लगातार तीन रोज तक गोलाबारी हो रही है और आज राजौरी में कई दिनों के बाद ही वहां पर गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ। सरहदी अजला राजौरी और पूंछ में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है। राजौरी और पूंछ में अगरचे राजौरी में कुछ रोज तक बंदूकें खामोश रही, तहम आज एक बार फिर कलाल बाबाखोरी और नौशेरा सेक्टरों में दोनों अफवाज के दरमियान जबरदस्त गोलाबारी का तबादला हुआ है। पूंछ के शाहपुर कस्बा और किरनी मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशीद मलिक। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा कि किस तरह की सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि दोनों अजला में गोलाबारी का तबादला हो रहा है। इस वक्त हालात सुबह के मुकाबले में बेहतर है, मगर पिछले तीन दिनों से जिस तरह शाहपुर कस्बा किरनी सेक्टर में हालात काफी कशीदा बने हुए हैं, जहां अब लगातार आए दिनों इन दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है, जिससे मकामी आबादी में काफी डर व खौफ देखने को मिल रहा है। और आज वहीं राजौरी में काफी अरसा के बाद नौशेरा के कलाल और बाबाखोड़ी इलाके में भी दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। यहाँ काफी अरसा के बाद ऐसे हालात देखने को मिला, मगर जिस तरह शाहपुर और कस्बा किरनी सेक्टर के हालात पिछले तीन दिन से लगातार यहाँ दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है, इससे लोगों में भी काफी डर व खौफ है, क्योंकि इस वक्त किसान लोग हैं जो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ अपने घास कटाई के मुकम्मल करने के बाद इसको जमा करने के मसरूफ थे, और ऐसे हालात में दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी होने से इन लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले तीन दिनों से लगातार शाहपुर किरनी कस्बा सेक्टर में जमशेद, जरा ये बताएगा इस हवाले से ये जो गोलाबारी का तबादला सिर्फ फौजी चौकियों तक ही महदूद है या कि फिर रिहायशी इलाके इसकी जद में आए, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि जो है कई रिहायशी मकानों को जो है नुकसान पहुंचने की खबर इतला जो है मौसूल हो रहे हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? अभी तक ये जरूर कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि उनके घरों को नुकसान पहुंचा, मगर ऑफिशियली तौर पर इसका किसी ने तस्दीक नहीं की है। मगर जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों से बने हुए हैं इसमें काफी संगीन होते जा रहे हैं। अगर शाहपुर कस्बा किरनी की बात करें तो यहाँ तीसरे दिन भी जिस तरह फायरिंग हुई, इससे लोगों की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि उनके घरों को नुकसान पहुंचा, मगर लोगों की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, मगर इंतजामिया की तरफ से अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की गई है कि किसी रिहायशी घर को नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, मगर हालात जो है पिछले तीन दिन से काफी कशीदा होते जा रहे हैं। जी गौर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे जमशीद मलिक, तफसीलात फराम कर रहे थे राजौरी और पूंछ अजला के मुख्तलिफ सेक्टरों में जो है पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला। आज सुबह 9 बजे के करीब पूंछ के कस्बा किरनी सेक्टरों में और शाहपुर सेक्टर में एक बार फिर लगातार तीन रोज तक जो है दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हो रहा है। इसके साथ ही राजौरी में आज कई दिनों तक जो है वहां पर सरहद खामोश रहने के बाद ही आज एक बार फिर दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। राजौरी के कलाल और बाबाखोर इलाके के साथ साथ शाहपुर सेक्टर में और नौशेरा सेक्टर में भी दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला है। तमाम इस सवाल से जरा से खबर मिल पा रही है कि रिहायशी इलाकों को कोई नुकसान पहुंचा है, तहम इस हवाले से सरकारी तौर अभी इस खबर की तस्दीक होनी बाकी है। अब बात सियासत की करते हैं। जम्मू कश्मीर में DDC और जमीनी इंतखाबात का बिगुल बजते ही सियासी जमातों की जानिब से सरगर्मियां शुरू हुई हैं, जिस दौरान पीपल्स अलायंस की जानिब से भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया गया। इन इंतखाबात में अगरचे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तहम माना जाता है कि आज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है और पीपल्स अलायंस के साथ ही साथ दीगर सियासी जमातों की तरफ से भी उम्मीदवारों की लिस्ट भी मंजरराम पर आएगी। इस सिलसिले में लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर वाका नवाज सुबह में कल दो रोज तक लगातार जो है मीटिंगों का सिलसिला जारी रहा दो रोज तक, और आज माना जाता है कि लिस्ट जो है वो मुश्तहिर की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चल
तजम्मुल के साथ भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, तफसीलात फराहम करेंगे। आज जो है सरगर्मियाँ, आज भी जो है मुख्तलिफ सियासी जमा जहाँ अपनी पार्टी की जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाएगा और दीगर सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों की लिस्ट जो है मंजराम पर लाए जाएंगे और साथ ही साथ जो है ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात करेंगे जो पंचायती इंतखाबात जो जहाँ पर ये पंचायती इंतखाब नहीं है जो खाली पड़ी असामियाँ उनके सिलसिले में भी जो है वहाँ पर सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हैं। जम्मू के अगर हम बात करेंगे तो जम्मू में कल जो है के शर्मा इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में एक मीटिंग कुल जमाती मीटिंग जो है हुई है, उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों को ने शिरकत की है जहां उन्होंने इंतजामिया के साथ साथ हिजबी इख्तदार की जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है। खबर पे सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, इस हवाले से सियासी सरगर्मियां काफी अरूज पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या आज माना जाता है कि क्योंकि आखिरी तारीख भी है और जो है पीपल्स अलायंस की जानिब से जो लिस्ट मुश्तर की जाएगी और कितने बजे तक जो है लिस्ट मंजराम पर आएगी? पहले फेज के बाद तकरीबन 70 के बाद पहली लिस्ट जो है वो हो जाएगी, अवाम के पास रखी जाएगी और अवाम से कहा जाएगा की उसके लिए कितने बेहतर और अच्छे निर्णय उनके लिए रखे गए हों। उसके बाद दूसरी मीटिंग पेपर चलाने की है, इनका ही अहम मीटिंग कल श्रीनगर में होगी, कल श्रीनगर में होगी, आज कोई मीटिंग नहीं होगी, बल्कि आज पहली लिस्ट जो है डॉक्टर अब्दुल्ला आज अवाम के सामने रखेंगे और कुछ देर बाद उस पर फाइनल जो है चर्चा इस वक्त जारी है। लेकिन कल पीपल्स अलायंस की एक और मीटिंग होगी जिसमें दूसरे मरहले के लिए, पहले मरहले में अगर जल्दबाजी हुई, पहले मरहले में अगर आप अपने उन नुमाइंदों को नहीं ला पाए जिनके लिए आपने अपनी पार्टी की तरफ से जिन्होंने बहुत कुछ वहां सरहदी इलाकों में किया, खासकर जहां पर गोलाबारी और बर्फबारी का मौसम शुरू होगा, उन इलाकों में पहला जो लिस्ट होगा नुमाइंदों का आज सीनियर अब्दुल्ला कुछ देर बाद जो है सामने रखेंगे। लेकिन इसके बाद कल की इस मीटिंग के हवाले से गवर्नर कुछ आपको बताऊं, इसमें पीडीपी के सीनियर रहनुमा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स मूवमेंट और हम ख्याल जमातों जो कि इनके हम ख्याल जमाती हो सकते हैं, इनके मुताबिक कल की बैठक जो है उसमें चर्चा होगा कि आप जो हमने नुमाइंदे उठाए हैं जिसमें जमीनी चुनाव कुछ निशस्तों के हैं, डीडीसी के कुछ नुमाइंदे हैं, उन पे सिर बहस हासिल की जाएगी और तमाम आवाजों को सुना जाएगा क्योंकि पहले मरहले में शायद फैसले उजलत में भी लिए गए होंगे जिसके लिए आज जो लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन दूसरा अहम चर्चा जो है कल डीडीसी इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी की शमूलियत और कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरह से इन इलेक्शंस का ही हिस्सा होंगे, पीपल्स अलायंस का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि वो सीट एडजस्टमेंट का हिस्सा होंगे या पीपल्स अलायंस के पॉलिटिकल इश्यूज के साथ रहेंगे, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन दूसरा लिस्ट जो है वो कुछ दिनों बाद होगा जिसके लिए कल गवर कुछ अहम मीटिंग इंतखाबात के हवाले से, अगर हम पंचायती जो खाली पड़ी निशस्त है उनके हवाले से बात करेंगे तो किस तरह की सरगर्मियां आबादी कश्मीर में इस वक्त जो है जारी है? मैं आपको शहर श्रीनगर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की चंद सीटों के बारे में जानकारी दे दूं कि जुनैद अजीम मतो जो के साबिक मेयर रहे हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गिलोन ने उन्हें इंतखाब जितवाया, अपनी पार्टी का सिंबल दिया और उसके बाद उन्होंने चार पांच जगहों से इंतखाब जीत लिया, रावलपुरा, सलीना, छोटा डल और उसके बाद सुबरा का एक एरिया है और जहां पर जमीनी चुनाव जो है इसी के साथ होंगे जो कि तकरीबन नवंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। और इसमें रावलपुरा सीट के लिए बहुत बड़ी जंग लड़ी जा रही है गवर कुछे, क्योंकि यहाँ पर अवामी नुमाइंदों के तौर पर अल्ताफ बुखारी का ये कैप्टन माना जाता है, मेरा कदल का आखिरी इलाका जहां से उसके सियासी मुस्तकबिल का क्या रेस होगा यहां से डिसाइड किया जाएगा। और यहां से अवामी नुमाइंदों के साथ साथ जब हम पार्टियों की बात करें, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उम्मीदवार उठाए, पीडीपी ने भी उम्मीदवार उठाए, अपनी पार्टी ने भी उम्मीदवार उठाए, जबकि सलीना के वार्ड से ये खबर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर के फर्जन सलमान अली सागर यहाँ से इलेक्शन में कूद सकते हैं जो कि साबिक मेयर भी रह चुके हैं। और उसके बाद इस इलाके में बीजेपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और बकिया पार्टियों के नुमाइंदे भी आ सकते हैं। लेकिन इन दोनों वार्ड में और सुबरा के वार्ड में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं सोफी साहब,
जो खुद मैदान में एक्शन में नजर आएंगे। यानी कि जिन सियासी जमातों ने पहले इंतखाबात से बायकॉट किया था, अब वो बाज़ाब्ता तौर पर इन इंतखाबात का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए, सिटे अवे के लिए कहा था और उसके बाद जब ये नुमाइंदे उन्होंने देखा कि 35 से 370 के बाद जो एक और रेस हमें अवाम के बीच दूर रखने की कोशिश की जा रही है, शायद बेहतर ये होगा कि फिलहाल इस पुल से गुजरा जाए और अवाम का एतमाद बहाल किया जाए और अवाम का भी नब्ज देखा जाए कि क्या वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ है या जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के साथ है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कई तंजीमों के जो बड़े बड़े सरबराह, अल्ताफ बुखारी का एक नुमाइंदा जो कि इलेक्शन लड़ेगा यहाँ से जम्मू कश्मीर कैमरा कदर के आखिरी इस वार्ड से रावलपोरा से, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ नासिर असलमानी या सिराजदार जिन्होंने कल पीडीपी ज्वाइन की और उसके बाद अवाम के जो नुमाइंदे इनमें से जीतेगा कौन, सलमान अली सागर जीतेगा या नहीं जीतेगा, इससे कहीं ना कहीं खुद आत्मादी पैदा की जा सकती है। और जो इनका सिस्टम ना पॉलिटिकल करियर बनाने के साथ साथ डेमोक्रेसी के साथ थोड़ा सा टूट गया था और मरकज के साथ रिश्ते दूर दूर हो गए थे, मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी होगी जहां पर डीडीसी और प्रिंसिपल कॉर्पोरेशन के जमीनी चुनाव के नुमाइंदों की जीत के बाद इनका अपना इंफरादी एतमाद बहाल हो सकता है, 35 से 370 बाद का मामला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजमल आपका। ये थे सईद तजमल श्रीनगर से, तब साथ फराम कर रहे थे जहां आज जो है माना जाता है कि आज फाइनल लिस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इस पर हतमी फैसला आज जो लिस्ट है वो मुश्तर की जाएगी, जारी की जाएगी। इससे पहले अगर हम बात करेंगे उसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पहले ही लिस्ट मुश्तर की गई और जो है ज़मीनी इंतखाबात जो खाली पड़ी नशस्त है उनके हवाले से भी काफ़ी सरगर्मियाँ उरूज पर है और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जमातों की जानिब से भी उस हवाले से उम्मीदवारों का ऐलान भी किया गया है। अब बात इम्तिहानात की करेंगे। जम्मू कश्मीर में 12वीं जमात के इम्तिहानात आज से शुरू हुए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिए जाने वाले इम्तिहान 12वीं जमात के इम्तिहानात से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुके हैं। इम्तिहानात में 73,569 तालिब इल्म शिरकत कर रहे हैं और इम्तिहानात के लिए 814 मराकज भी कायम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज से बाज़ाब्ता तौर पर 12वीं जमात के इम्तिहानात जो है वो शुरू हो चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर चलते हैं जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, इम्तिहानात शुरू हो चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पर, तो किस तरह के इंतजाम स्कूल इंतजामिया की तरफ से या बोर्ड की जानिब से उठाए गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। जैसे कि 12वीं जमात के आज से एग्जामिनेशन जो है बोर्ड के शुरू हो चुके हैं और हम ठीक इस वक्त एग्जामिनेशन सेंटर यानी एक प्राइवेट स्कूल के एग्जामिनेशन सेंटर के किया है और खास तौर पर जहां तक बोर्ड ऑफ स्टेट स्कूल एजुकेशन की मैं बात करूं तो एसओपी गाइडलाइंस को लेकर जो हुक्मनामा पहले ही जारी किया गया है और उस पर खास तौर पर यहां अमल भी करनी जरूरी है। खास तौर पर अगर देखें तो स्कूल के साथ साथ सिक्योरिटी भी जो है उसे तैनात किया गया है और सैनिटाइजर सिमेंटेशन या फिर इसके साथ साथ मैं बात करूं मास्क का खास ख्याल रखा गया है और स्टेट बोर्ड की तरफ से इस बारी सेंटर्स जो है उसे डबल कर दिया गया है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लगातार 300 के करीब सेंटर्स मगर आज 800 के करीब सेंटर्स बढ़ाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। इरफान, जरा ये भी बताएगा कि मौसम के क्योंकि सर्दी जो है लगातार उसमें इजाफा हो रहा है वादी कश्मीर के अंदर, तो इस हवाले से इंतजाम की जानिब से क्या कुछ इकदाम उठाए गए हैं? देखिए, कल भी हमने देखा जिस तरीके से कल क्लास 10th के एग्जाम का जो पहला पेपर था आपने देखा सेंटर्स पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है हीटिंग अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड या फिर स्कूल की तरफ से रखे गए हैं क्योंकि ठंड काफी ज्यादा सुबह शाम बढ़ती है और फिलहाल अगर देखा जाए तो सर्दियों के मौसम में एग्जाम देने के लिए हीटिंग अरेंजमेंट या खुशन अगर देखें तो साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। बच्चे जो है बच्चों के साथ बात करने के बाद ये भी पता चला कि बच्चे जो है जिस तरीके से प्रिपरेशन उन्हें करनी चाहिए थी जैसे वो कर नहीं पाए क्योंकि इंटरनेट जो है वो काफी टाइम तक ब्लॉक पड़ा हुआ था, मोबाइल नेटवर्क नहीं चल रहा था मगर उसके बाद कुछ सर्विसेज से बच्चों ने जिस तरीके से पढ़ाई की है और बच्चे ये भी खुश है कि उनका मानना है कि 40%
रिलैक्सेशन भी बोर्ड की तरफ से मिली है, मगर जिस तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए थी, जैसे आपने देखा कि हालात कोरोना वायरस को लेकर जुड़े तो सारी चीजें लॉकडाउन थी, तो बच्चे आखिरकार एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे हैं और अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में दसवीं और बारहवीं जमात के जो नतीजे हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, आपका ये थे श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल, तब साथ फराम करे थे। आज से बाजाबता तौर पर बारहवीं जमात के इम्तहान वो शुरू हो चुके हैं, इस सिलसिले में इंतजाम की जानिब से पहले ही कोविड के पेश नज़र इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, जबकि 814 मराकज कायम किए गए। इस सिलसिले में जो समाजी दूरी के साथ साथ इस हवाले से जो सेंटर है मराकज है इम्तहानी मराकज, उनकी तादाद दोगुनी कर दी गई है, जबकि कोविड 19 के पेश नज़र मास्क और सैनिटाइजर का भरपूर इस्तेमाल भी किया जा रहा है और सर्दी को मद्देनजर रखते हुए हीटिंग अरेंजमेंट भी किए गए हैं। अगरचे कई इलाकों से इस हवाले से शिकायत वालदेन की जानिब से आ रही है कि माकूल इंतजाम नहीं है, दसवीं जमात के तालिबे इल्म जो इनका जिनका एग्जाम जो इम्तिहान चल रहा है उस हवाले से वालदेन ने शिकायत की है कि इम्तिहानी मराकज में माकूल इंतजाम नहीं है। ताहम इंतजामिया का कहना है कि जितने भी मरकज कायम किए गए हैं उनमें माकूल इंतजाम किए गए हैं। अब जरा बात आलमी वबा कोरोना वायरस की करते, आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर जारी है और दुनिया भर में अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना मुतासर हुए हैं, जबकि 12,70,000 से ज्यादा मुतासरीन की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 47,905 नए मजबूत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 550 अफराद की मौत वाकया हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 86,83,917 पहुंच गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,28,121 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस मरीजों की मजमूई तादाद 1,00,000 का हिंसा पार करके 1,03,51 पहुंच गई है, जिनमें 39,849 जम्मू जबकि कश्मीर सूबे से मुतासरीन की तादाद 60,502 हो गई है। दिल्ली के लोगों को आलूदगी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही और आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स संगीन जुमरे में नजर आया। एक तरफ जहां कोविड 19 की मार है, वहीं दूसरी तरफ फिजाई आलूदगी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। राजधानी में हवा की रफ्तार कम होने से आलूदगी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा और न ही एयर क्वालिटी की बेहतरी में कोई मदद मिली है। इसके अलावा NCR के कुछ हिस्सों और शुमाली इलाके के दीगर शहरों और गाँव में भी एयर क्वालिटी की सूरत हाल ऐसी ही रही। मुल्क के बेशतर शुमाली रियासतों के मकामात पर फिजाई आलूदगी की सूरत हाल बहुत खराब से लेकर संगीन तक बनी हुई है। दिल्ली हुकूमत ने सर्दियों के दौरान फिजाई आलूदगी पर कंट्रोल पाने के लिए कई एहतियाती इकदाम भी उठाए, जिनमें पटाखे जलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है ना, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है फार्मर जो है वो अपनी पराली जलाते हैं और बहुत ज्यादा पोल्यूशन इधर आ जाता है। एयर पोल्यूशन भी काफी होता है और वाटर पोल्यूशन भी काफी है, जैसे आप देख सकते हैं यमुना में। तो अगर ये किसी इंडस्ट्री से आ रहा है तो उनके ऊपर हायर टैक्सेस लगाने चाहिए, ताकि उनको लगे कि यार हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। अभी उनको लग नहीं रहा कुछ गलत कर रहे हैं, उनको दिखाना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत गलत स्टेट में जा रहे हैं आगे जाके धीरे धीरे। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो मतलब काफी चीजें हमने देखी थी कि मतलब विद इन 2 to 3 weeks हमें लगा था कि कितना ज्यादा रिकवर हो गया एनवायरमेंट, लेकिन अब जैसे जैसे अनलॉक आया है, अब जैसे आगे आगे जैसे अब मतलब लॉकडाउन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो मतलब जैसे लोग वापस बाहर आ रहे हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए कि जैसे हमने रिकवर किया था अब हमें उसको मेंटेन करना है, हम वापस वैसे ही हो रहे हैं जैसे हम पहले था। देखिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए गवर्नमेंट गलत कर रही है, हमारा भी टेक बनता है, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारा भी टेक बनना चाहिए कि हमें भी मतलब इसको मतलब सुधारना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत स्टेट में आप यहाँ से अगर कैमरा घुमाएंगे तो कितनी दूर तक मतलब सब कुछ पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिख रहा है। वाटर पोल्यूशन कितना गंदा है, ऊपर एयर भी पोल्यूटेड है। अब देखिए जैसे इंडस्ट्रीज से अगर ये आ रहा है तो इंडस्ट्रीज जो है वो लोगों से कमाती है, लेकिन अब उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर ये सारा पोल्यूशन उनकी तरफ से आ रहा है तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है फ्यूचर में। फ्यूचर में मतलब हमारी आगे की जनरेशन के लिए मतलब ये बहुत गलत स्टेट है, मतलब आगे जाके की जनरेशन जो है इतना ज्यादा मतलब नहीं रह पाएंगी, बहुत गलत स्टेट है। एक्चुअली आई एम नॉट कमिंग आउट फ्रॉम माय हाउस वेरी फ्रीक्वेंटली, बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द विंटर वी आर फेसिंग पॉल्यूशन और वी कैन सी द पॉल्यूशन वेरी क्लियरली रादर देन
रादर देन समर्स. सो पोल्यूशन तो ऐसे पहले भी था ही बट जम्मू कश्मीर की तारीख में हाथों से बने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल सदियों पुराना है, लेकिन दौरे जदीद में कड़ी मेहनत के बाद बनने वाले इन मिट्टी के बर्तनों का रिवाज जैसे खत्म ही होता जा रहा है. यह वो लोग जो नस्ल दर नस्ल हाथों से मिट्टी गोंदने के बाद इस मिट्टी को बर्तनों की शक्ल देकर अपने घर का गुजर बसर करते हैं. वादी के साथ साथ सालों किश्तवाड़ जिला में भी हाथों के बर्तन बनाए जाते हैं, ताम जदीद दौर ने इन अफराद की मेहनत के बदले मुआवजे को ही खत्म कर दिया है. दिन भर की कड़ी मेहनत और मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के मिट्टी के इन बर्तनों का इस्तेमाल शहरी इलाकों के बजाय अब देही इलाकों तक ही महदूद होकर रह गया है. चंद्रग्राम मिट्टी से घरों में रखे जाने वाले मटकों, गमलों और कई चीजें इस छोटे से कारखाने में आर्डर पर तैयार की जाती हैं, जिसके बाद इन बर्तनों को आग की भट्टी में पकाकर कच्ची मिट्टी को मजबूत किया जाता है. कच्ची मिट्टी से बनाए गए गमले, हांडिया और दीगर बर्तन बनाना अब मिसाल आप ही है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाने की जवाल पजीर होती हुई ये सनत हुकूमती तवज्जा की मुंतजर है. मैं बचपन से ये काम करता है, आज तो ये कुछ हालत नहीं ठीक है. आज ये बर्तन की बनाते हम कुछ सहूलत नहीं गवर्नमेंट ने हमने दिया. ये जो बर्तन बटाने का काम था मिट्टी वाला, हाँ? तो कितनी फैमिलीज यहाँ पर ये काम कर रही है? इतनी फैमिली है 40-50. कितने लोग आज एक बंदे है काम, डिमांड है इधर. तो आप खुद बेचते हो या दुकानदार? दुकानदारों को हम बेचते हैं, उनकी खुला डिमांड रहती है इधर. ये बोलते हम इससे काम नहीं करिए, मिट्टी का काम, बर्तन कपड़े जाते खराब. ये नौजवान लड़के है जो बोलते हमने ये काम करूँगा. नहीं, सरकार से कोई स्कीम ने हमको दिया, जो सहूलत देगा सरकार वो हमको ले सकता है. मुस्तबिल की चाहते नहीं लड़के आजकल जमाने, इस जमाने में. किश्तवाड़ में जो ये मिट्टी के बर्तन की कला है, ये कुछ परिवारों तक सीमित थी, लेकिन अब ये एक ही परिवार तक सीमित है. जिनका ये कहना था कि जो 40 परिवार करीब पहले इस काम में जुटे थे, अब वही खाली इस काम में जुटे हैं. तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि जब प्रधानमंत्री की तरफ से आत्मनिर्भरता का एक नारा दिया गया है, तो इस तरह की जो कला है कहीं लुप्त ना हो जाए. इसके लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की बहुत ज़रूरत है. कैमरामैन रिजवान के साथ अजय शान, गुलिस्तान न्यूज़, किश्तवाड़. वादी के नौजवान खिलाड़ियों में भरपूर टैलेंट मौजूद होने की बात करते हुए क्रिकेटर परवेज रसूल ने कहा कि वादी में नौजवान खिलाड़ियों में खेल कूद के तई भरपूर सलाहियत है, ताहम बुनियादी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है. इन बातों का इजहार उन्होंने शुमाली कश्मीर के बारामूला में हमारे नुमाइंदे इरशाद अहमद भट्ट के साथ किया. नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यार. नॉर्थ कश्मीर में मैं काफ़ी आता रहता हूँ. अभी रिसेंटली WPL में भी मैं आया, वर्ल्ड प्रीमियर लीग में भी आया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लग रही है नॉर्थ कश्मीर में, यहाँ के ब्यूटीफुल ग्राउंड्स है. ग्राउंड फैसिलिटी यहाँ पे सबसे मुझे लग रहा है पूरे J&K में जितने ब्यूटीफुल ग्राउंड्स नॉर्थ कश्मीर में हैं उतने कहीं नहीं है. टैलेंट की बात करेंगे, टैलेंट आपको अगर आप देखेंगे नॉर्थ कश्मीर से लास्ट ईयर कितने लड़के मतलब स्टेट के लिए खेले, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो आकिब एक लड़का है बारामूला का, पहले मैच में रणजी में उसने 5 विकेट्स लिए. मतलब 5 विकेट हॉल रणजी ट्रॉफी में लेना बहुत बड़ी बात होती है. और उसमें ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़े अच्छे, मतलब मैन ऑफ द मैच रहे रणजी में, मैन ऑफ द मैच रहे. मंजर एक लड़का है सोपोर का, वो स्टेट के लिए खेला. लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे एक आई डोंट नो हिज नेम, मतलब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले. मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और अच्छे लड़के आएंगे बारामूला से. यहाँ पे अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पे जिले बारामूला में, क्या लगता है क्या ये जिला इंतजाम है कि आपको लापरवाही लगती है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए यूथ जो है ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स में, कारण यही है यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी जा रही है. नहीं, मुझे लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है.
बट और होने की जरूरत है। बट इसमें एक ही चीज हम कहेंगे कि दो साल से थोड़ा अनफॉर्चुनेट यहाँ के हालात रहे। मुझे लग रहा है टूर्नामेंट इस साल बड़े हुए, अगर आप देखेंगे कंपैरिजन टू बाकी साल कोविड की वजह से भी। मुझे लग रहा है कि जो आज लड़कों में जोश है, अगर आप देखेंगे पूरे J&K में, अगर आप क्रिकेट, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इसी साल खेली जा रही थी। अगर कोविड भी थी, अगर आप अभी रिसेंटली इंटरनेट पे एक वायरल पिक्चर हुई पुलवामा या शुपियन की, मुझे लग रहा है 10-20 हज़ार लोग मैच देख रहे थे इस कोविड में भी। मुझे लग रहा है कि इसमें एक ही वजह यह है कि आप लड़के रिकॉग्नाइज हो रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी लड़के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वहां पे अच्छा कर रहे हैं। अगर आप बारामूला की बात करेंगे, कुपवारा की करेंगे, किश्तवाड़ भद्रवाह की करेंगे, पीर पंचाल चिनाब वैली की बात करेंगे, पुलवामा शुपियान की बात करेंगे, लड़के रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्टेट टीम में, जो अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं, मुझे लग रहा है वो आपको दिख रहा है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।